सुप्रीम कोर्ट में पीआईए निष्कारी खसूसी ऑडिट केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में तीन रुकनी बेंच ने करार दिया कि मुशर्रफ रसूल मतलूबा मयार और काबिलियत पर पूरा नहीं उतरते, इसीलिए उनकी तैनाती गैर कानूनी है। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर यह मामला काबीना पर छोड़ा गया था, लेकिन काबीना ने मौका गंवा दिया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सीईओ की तकर्री कानून के मुताबिक नहीं हुई, मुशर्रफ रसूल की तकर्री में गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी हुई। उन्होंने कहा कि सरदार मेहताब तकर्री के अमल में साइल थे। क्या मुशर्रफ रसूल का बोर्ड ने इंटरव्यू लिया? एविएशन का तजुर्बा भी मुशर्रफ रसूल को तकर्री से कबल नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीआईए खसारे में चल रहा है, ऐसे इदारों में बड़ा बासलाहियत बंदा लगाना चाहिए था, जबकि मुशर्रफ रसूल सरदार महताब के पीएसओ भी रह चुके थे। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुशर्रफ रसूल की बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए तकर्री को गैर कानूनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया।